दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पिता कंपनी से ऑर्डर पाने के चक्कर में अपनी बेटी को ही दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर कर देता है और ये सारी चीजें कैसे होती है ये देख के तुम भी शॉक रह जाओगे। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड अ बिजनेस ट्रिप, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक 16 साल की लड़की इसला को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे आई है। उसके पिता का नाम हेनरी है। होटल के कमरे में जब इसला का पिता कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तब इसला उसके पास जाती है और कहती है कि आप जब यहाँ पे नहीं होते हो तब मैं बोर हो जाती हूँ, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। यहाँ पे उसके पिता बिल्कुल मना कर देते हैं और उसे होटल के कमरे में ही रहने के लिए कहते हैं। तब यहाँ पे इसला मजाक में ही अपने पिता को कहती है कि आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो मैं किसी शराबी लड़के को देख के उसके साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद उसके पिता ऑफिस चले जाते हैं और अब फिलहाल होटल के कमरे में अकेले इसला को बहुत ही बोरिंग महसूस हो रही है, इसलिए इसला अपने कमरे से निकल के होटल में पानी के बॉटल लेने जाती है। और जब वो वापस लौट रही थी उसके लिफ्ट में एक आदमी आता है जिसका नाम केल्विन है। वह आदमी लिफ्ट के बटन को दबाते वक्त इसला की छाती को भी टच करता है। यहाँ पे वो इसला की खूबसूरती देख के पागल हो गया है और उसे देखते ही जा रहा है। और यहाँ हम इसला को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक बच्ची की तरह च्युइंगम को चबा रही है। जब वो आदमी लिफ्ट से बाहर निकलता है वह इसला को देखने की कोशिश करता है पर तभी गेट बंद हो जाती है। उसके बाद इसला अपने कमरे में आती है तब वह देखती है कि उसके पापा वहाँ आ चुके हैं। उसके पिता उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया था फिर भी तुम बाहर गई। तब यहाँ पे इसला डरते डरते कहती है कि मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी की बोतल लेने गई थी। और इसके साथ वो अपने पापा को सॉरी भी बोलती है जिसके कारण उसके पापा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। यहाँ पे इसला के पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद इसला अपने पापा से उस बिजनेस मीटिंग के बारे में पूछता है। तब उसके पापा कहते हैं कि आज कॉर्पोरेट वालों ने एक पार्टी रखी है और हम दोनों को जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए वरना हम दोनों पार्टी में लेट हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों जल्दी से तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं जहां पे हम इसला को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। पार्टी में वह सब कॉर्पोरेट के लोगों से मिलते हैं जहां पे हम केल्विन को देखते हैं। ये वही बंदा है जो इसला से लिफ्ट में मिला था। यहां इसला के पापा उसे केल्विन से इंट्रोड्यूस कराता है लेकिन उसे नहीं पता कि ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। यहां पे केल्विन इसला के पापा को एक कोने में लेके बातें करने लगता है। तब तक इसला वहां के और भी लोगों से अपना जान पहचान करने लगती है। इसला अपने पापा की तरफ ध्यान देती है तब वो देखती है कि उसके पापा के केल्विन के साथ कुछ बहस हो गई है और वो समझ जाती है कि यह वही आदमी है जिससे मेरे पापा की डील होने वाली है। उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण केल्विन वहां से नाराज होकर चला जाता है। अपने पापा को इस तरह परेशान देख के इसला आकर उनसे बातें करती है। इसला अपने पापा से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तब उसके पापा उस पर और भी भड़क जाते हैं और वह कहते हैं कि क्या तुम मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकती हो, अगर दिलवा सकती हो तो दिला दो। और वह इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे आज तक इसला के पापा ने उससे इस तरह बातें नहीं की थी जिसके कारण इसला रोने लगती है और वह होटल के टेरेस पे आ जाती है जहाँ पे केल्विन पहले से ही मौजूद था। वह इसला से पूछता है कि तुम्हें यह होटल और यह शहर कैसा लगा। तब यहाँ पे इसला कहती है कि मुझे यह शहर कुछ खास पसंद नहीं आया। और उसके बाद केल्विन सिगरेट पीते हुए अपना मफलर निकाल के इसला के गले में बांध देता है और यहाँ पे इसला भी उसे ऐसा करने से मना नहीं करती है। वह इसला से पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो। तब इसला कहती है कि मेरे पापा के काम की वजह से मुझे हर जगह से बार बार शिफ्ट होना पड़ता है लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम न्यूजीलैंड में ही गुजरा है क्योंकि मेरे पापा अपने शुरुआती दिनों में वहीं पे रहते थे। यहाँ पे उसकी बातों को सुनके केल्विन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अलग अलग शहरों में अकेले घूमने से अकेलापन महसूस नहीं होता। तब इसला उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे अलग अलग शहरों में घूमने के कारण नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और जिसके कारण इसला को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे काफी देर बातें करते हैं और इसला अपने गर्दन से उसके मफलर को निकाल के उसे वापस करते हुए कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे इसलिए मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से चली आती है। उसके बाद हम इसला और उसके पापा को केल्विन के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे उसके पापा केल्विन को कह रहे हैं कि मेरी कंपनी के अलावा आपको कोई भी कंपनी इतने कम दामों पे अच्छे मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकती। पर यहाँ पे केल्विन को हेनरी के बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बार बार इसला को देखे जा रहा है। इसला भी उसके पास बैठी हुई है इसलिए उसे केल्विन के बिहेवियर से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। उसके बाद केल्विन इसला को गलत तरीके से छूने लगता है जहाँ पे इसला को थोड़ा अजीब महसूस होता है और वो अपने पैरों को खींच लेती है और पानी पीते हुए केल्विन की तरफ देखती है। यहाँ पे इसला के पापा भी उन दोनों की एक्टिविटी को नोटिस करता है
और वह थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसे देख के इसला को काफी अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद उसके पापा उससे बातें करते हुए कहते हैं कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कॉरपोरेटर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही खुले सोच वाले होते हैं, और इन सब में ये सारी चीजें कॉमन होती है। और उसके बाद वह सब वहाँ से पार्टी हॉल में पहुँचते हैं। यहाँ पे सब लोग ड्रिंक करने के बाद डांस करने लगते हैं, जहाँ पे केल्विन इसला के साथ डांस करने लगता है। इसला को केल्विन के साथ डांस करने में अच्छा नहीं लगता, पर वह थोड़ी ही देर में उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। और तभी वो अपने पापा को देखती है जो कि किसी दूसरे लेडीज के साथ बातें कर रहे हैं, और वो अपने पापा को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, पर उसके पापा मना कर देते हैं। यहाँ पे केल्विन इसला के साथ डांस करते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाता है, और इसला भी अपने आप को रोक नहीं पाती, और फिर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। केल्विन इसला को बहुत ही अजीब तरीके से टच करने लगता है, और वो उसे किस भी करने लगता है। यहाँ पे इसला अपने पापा की तरफ देखती है, पर आज उसके पापा उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद डांस करते हुए केल्विन इसला का हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। पानी पीने के बाद केल्विन इसला के पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है, जिसके कारण इसला की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है। यहाँ पे इसला भी अपने आप को नहीं रोक पाती और उसे भी मजा आने लगता है, जिसके कारण एट द एंड दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। केल्विन इसला के साथ एंजॉय करने के बाद वह चुपचाप उससे बातें किए बिना ही वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण इसला को बहुत ही अजीब महसूस होती है, और वह वहाँ से उठ के पार्टी में आके अपने पिता को खोजने लगती है। यहाँ पे इसला अपने पापा को खोज रही है, तभी वो देखती कि उसके पापा किसी से हंस हंस के बातें कर रहे हैं, और ध्यान से देखने पे वो देखती है कि वो केल्विन के साथ बहुत ही खुश होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसला को काफी अजीब लगता है कि थोड़ी देर पहले ही उसके पिता और केल्विन दोनों एक दूसरे से बहुत ही नाराजगी से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र हो गए। वह ये सोच रही है कि केल्विन के मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद ही ऐसा क्या हुआ। इसला ये सारी चीजें सोच ही रही है, पर तभी उसके पीछे से कोई धक्का देता है, जिसके कारण वो अपने सोच से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो अपने पापा के पास आती है, जो कि काफी खुश है और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे उसके पापा उसे बताता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है, इसी की वजह से हम लोग पार्टी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसला को सब कुछ समझ में आ चुका है कि उसके साथ क्या हुआ। वह अभी एक ग्लास उठाती है और अपने पापा को चीयर्स कहते हुए कहती है कि ग्रेट वर्क डैड, जिसपे उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें शराब चढ़ गई है, लेकिन इसला ने तो अभी पिया ही नहीं। इसला केल्विन को देखती है, जो कि बिल्कुल ही उसे इग्नोर कर रहा है, और इसके कारण इसला केल्विन को किस करती है, जिसके कारण उसके पापा उसे अपनी तरफ खींचते हैं, और यहाँ पे इसला काफी गुस्सा है, इसलिए वह वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हेनरी भी जल्दी से अपने बेटी के पीछे आता है और वह इसला से मिलता है, जहाँ पे इसला रोने लगती है, और अब उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसके पापा ने उसे जानबूझ के इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले यूज किया। उसके पापा उसे कहते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वह उसे गले से लगाते हैं, पर इसला को अपने पापा से भरोसा उठ गया है, इसलिए वो अपने पापा को छोड़ के टैक्सी में बैठ जाती है और वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।